सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू, सबका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, इस चैप्टर में मैंने कल संडे को जब डाउट लिए तो मुझे ऐसा पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही अच्छे से याद नहीं है। तो मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप पूरे 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले पहले रिवाइज करो, याद करो, उसको लिखो शीट पे, जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे दीवार पे चिपका दो और उसको रिवाइज करते रहो हर रोज। सारे जो फॉर्मूले 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़े, सारे मतलब कौन कौन से, बेसिक आइडेंटिटीज, तीन आइडेंटिटी है। फिर उसके बाद हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, रेंज, पीरियड, उसके बाद सम सम एंड डिफरेंस वाले एंगल्स, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी। उसके बाद अलाइड एंगल्स, 90 पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, ये सारे। उसके बाद मल्टीपल एंगल्स, डबल एंगल के फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले, हाफ एंगल के फॉर्मूले, ठीक है। और उसके बाद फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ये सारे फॉर्मूले जब तक आप याद नहीं रखेंगे, जब तक आपको वो समझ में नहीं आए हैं, 11th स्टैंडर्ड में आपको वो पढ़ाए गए हैं अच्छे से, तो उनको आपको याद रखना है अच्छे से। तो फिर क्या होगा, अभी ये 12th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री आपको आसान लगने लगेगा। तो एक बार अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है ये वाला, पहले 11th वाले सारे फॉर्मूले याद करो अच्छे से, चाहे तो उनके प्रूफ्स भी गो थ्रू करो सारे, और फिर आपको 12th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगेगा, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हमने बोला, तीन चैप्टर है इसमें, एक ही चैप्टर में तीन पार्ट है। एक पहला था जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये वाला। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें तो सारे फॉर्मूले ही हैं, साइन रूल फॉर्मूला है, कोसाइन रूल फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन रूल फॉर्मूला है, और उसके तीनों के अप्लीकेशन जो है, कल हमने देखा हाफ एंगल के फॉर्मूले है, हेरॉन्स फॉर्मूला है, और नेपियर एनालॉजी, ये भी एक फॉर्मूला है। ऐसे तीन फॉर्मूले हैं नेपियर एनालॉजी के, मतलब ये दूसरा वाला जो पार्ट है पूरा फॉर्मूले से भरा पड़ा है। तो जितने आप इसको रिवाइज करते रहेंगे, ये फॉर्मूले कैसे हमने प्रूव किए वो स्टेप्स रिवाइज करते रहेंगे, उतना आपको याद रहेगा। और तीसरा पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें भी फॉर्मूले है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है, तब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। तो फॉर्मूले सारे याद करने हैं, तभी आपको ये आसान लगने लगेगा, ओके। खाली फॉर्मूले याद करना ही काफी नहीं है, उनको कैसे यूज करना है क्वेश्चन में वो भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं 11th का तो पार्ट रिवाइज नहीं कर सकता हूँ, जिस किसी को भी अगर 11th का पार्ट चाहिए, तो मैंने 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले बचे हैं, तो 11th के वीडियोस भी आप मेरे देख सकते हैं। यू कैन रिक्वेस्ट मी, आई विल सेंड, ओके। अगर आपका 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री पक्का नहीं हुआ है तो, ठीक है। अभी देखो, हेरॉन्स फॉर्मूला अगला हमारा प्रूफ ये डिस्कस करना था। हमने कल हाफ एंगल वाले फॉर्मूले जो है सारे डिस्कस किए, उसका प्रूफ भी डिस्कस किया, कैसे याद रखने हैं वो भी मैंने बताया आपको। बाद में हेरॉन्स फॉर्मूला, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, ये आपको पता ही है कि ए बी सी साइड रहते हैं स्मॉल ए बी सी, और ए प्लस बी प्लस सी मतलब पेरीमीटर, और 2s आएगा, s इज हाफ पेरीमीटर, उसका डबल किया तो पूरा पेरीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, 9th स्टैंडर्ड में आपको था हेरॉन्स फॉर्मूला, 9th और 10th में आपने इसको यूज किया है। अभी इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं।
देखो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख डाला, ये प्रूफ जो है हेरॉन्स फॉर्मूला और नेपियर्स एनालॉजी का, मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बुक में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, जस्ट टू सेव द टाइम। ओके, टाइम सेव करने के लिए मैं यही पे स्टेप्स एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। देखो पहला स्टेप है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ कैपिटल सी, साइन ऑफ एंगल सी। कैसे आया ये एरिया का फॉर्मूला, ये देखो, अभी प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन, ये डायग्राम है यहाँ पे, समझो मेरे पास ये है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये ट्राइंगल एबीसी है। अब कैसा भी ड्रॉ करो इसको, एक्यूट एंगल ले लो, ऑब्ट्यूस एंगल ले लो, राइट एंगल ले लो, राइट एंगल लिया तो ये और आसान होगा, लेकिन अभी फिलहाल हमने उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिया। यहां से मैंने एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, एडी एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम पॉइंट ए ऑन साइड बी सी, ये इसी को हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ द ट्राइंगल, मतलब एडी क्या है हाइट और बीसी क्या है बेस। तो आपको पता ही है किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो रहता है वो क्या आता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 1/2 इंटू बेस है बीसी और हाइट है एडी। अभी साइड बीसी का जो लेंथ है आपको पता है वो रहता है स्मॉल ए, साइड एसी का लेंथ जो है वो रहता है स्मॉल बी, और साइड एबी का लेंथ जो है वो रहता है स्मॉल सी। ये आपको स्टैंडर्ड नोटेशन पता ही है। अभी बेस का वैल्यू जो है, बेस का जो लेंथ है वो बीसी, बीसी है स्मॉल ए, वो मैंने डाल दिया। अभी हाइट एडी बचा, हाइट एडी जो है, अभी आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे सेपरेटली मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे साइड में इन ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी ऑब्जर्व करो, इस ट्राइंगल एडीसी में साइन सी क्या आएगा, ये एंगल सी है, एंगल सी, साइन सी मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन सी का अपोजिट साइड है एडी और हाइपोटेनियस है एसी, तो साइन सी क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस मतलब वो आएगा एडी अपॉन एसी, ठीक है ना, ये डेफिनेशन है साइन का, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अभी एडी जो है वो है हाइट और स्मॉल, और एसी जो है एसी का लेंथ है स्मॉल बी हाइपोटेनियस, और यहां से आप आपको पता चल गया कि इसका मतलब साइन सी जो है वो हमें मिला एडी अपॉन बी, और यही से हम बोल सकते हैं अभी सीधा सीधा इसका मतलब एडी रहेगा बी इंटू साइन सी, समझा ना, इस बी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो बी इंटू साइन सी रहेगा एडी का वैल्यू, तो यहाँ पे आपने डाल दिया एडी का वैल्यू क्या है, बी इंटू साइन सी, देखो हाफ ए बी इंटू साइन सी, यही इन्होंने ये फॉर्मूला लिखा है। प्रूफ में आपको इसको, ये है फॉर्मूला, ये इतना प्रूफ लिखने का जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना है हाफ ए बी इंटू साइन सी, ये आपके जानकारी के लिए मैंने बताया कैसे आया ये फॉर्मूला। तो ये दो स्टेप है, ये पहला स्टेप रहेगा और ये दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में ट्राइंगल एडीसी में हमने एडी का वैल्यू निकाला बी साइन सी, और दूसरे स्टेप में एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू एडी। ये दो स्टेप में मैंने बताया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको लिखते वक्त प्रूफ में डायरेक्ट लिखना है, उसका प्रूफ ये दो स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, आपकी जानकारी के लिए लिख लो चाहे तो, वीडियो को पॉज करके लिख लो। ओके, तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, तो ये हुआ ट्राइंगल का एरिया। अभी ये जो साइन सी है, आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा के टोटल दो फॉर्मूला है, एक रहता है 2 sin थीटा cos थीटा और दूसरा रहता है 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा, ये दो फॉर्मूले रहते हैं। यही इसी से हम बोल सकते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला जो है
तो टू थीटा के जगह अगर थीटा डाला तो यहाँ टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू ऐसे आएगा, मतलब थीटा के जगह थीटा बाई टू आएगा। टू थीटा के जगह थीटा आया मतलब वो आधा हुआ तो ये भी आधा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो साइन सी है उसको हम लिख सकते हैं हाफ हाफ ए बी जैसा का वैसा ही लिख लिया, और साइन सी को लिखा टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, समझा। तो ये टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे दूसरा स्टेप में क्या किया, हमने साइन सी के जगह फॉर्मूला डाला साइन सी का, टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, ये हाफ एंगल फॉर्मूले में आता है। इसीलिए मैं शुरू में बोला कि इलेवेंथ के फॉर्मूले बिल्कुल पक्के रहने चाहिए। उसके बाद अभी ये हाफ और ए टू, तो ये हाफ ए टू टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये बचेगा ए बी बाहर लिख लिया, और यहाँ अंडर रूट में साइन सी बाई टू का वैल्यू और कॉस सी बाई टू का वैल्यू, वो तो हमने पहले से ही निकाल के रखा है, आपको याद आ रहा होगा पिछले लेक्चर में हमने ये सारे फॉर्मूले याद किए। तो मैंने आपको प्रूफ बताया था हाफ एंगल वालों का, ये तीनों का प्रूफ बताया, साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू टैन ए बाई टू का प्रूफ बताया, और वैसे ही हम साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू टैन बी बाई टू इनका भी प्रूफ हम बोल सकते हैं। तो साइन सी बाई टू का फॉर्मूला क्या आता है, ये अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए अपॉन ए बी, और कॉस सी बाई टू का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, ये फॉर्मूले डाल दिए। देखो अभी ये बाहर ए बी है और यहाँ अंडर रूट में ए बी और अंडर रूट में ए बी दो बार है, तो अंडर रूट ए बी नीचे ए बी आ जाएगा, रूट मतलब आपको पता ही है ना रूट टू इंटू रूट टू टू आता है, वैसे ही डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए बी वो ए बी आ जाएगा प्रोडक्ट उन दोनों का, और ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो बस क्या बचा अभी स्क्वायर रूट में, बस ये न्यूमरेटर में चार टर्म बचे, एक बचा यस एक ब्रैकेट एस माइनस ए, दूसरा ब्रैकेट एस माइनस बी, तीसरा ब्रैकेट एस माइनस बी, चौथा ब्रैकेट एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया सबको? तो यहाँ ए बी और अंडर रूट ए बी इंटू अंडर रूट ए बी कैंसिल हो जाता है। तो ये था हेरॉन्स फॉर्मूले का प्रूफ, प्रूफ का डिस्कशन। नेक्स्ट नेपियर्स एनालॉजी। ऑफ कोर्स नेपियर्स एनालॉजी का ये एक ही फॉर्मूला नहीं है, ऐसे नेपियर्स एनालॉजी के और दो फॉर्मूले हैं, ये वाला टैन और कॉट में जो आते हैं वो है रहते हैं नेपियर्स एनालॉजी। इसको भी मैं डायरेक्ट बुक में जो दिए हुए स्टेप्स है वही स्टेप्स एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ प्रूफ, ठीक है। चलो ठीक है, आपको बुक में इसका समझ में नहीं आएगा तो इसका प्रूफ मैं सेपरेटली बताता हूँ। तो दूसरा एप्लीकेशन जो है हेरॉन्स फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला और उसका प्रूफ आपने लिखा होगा, वो लिख लो पूरा। हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका प्रूफ आप लिख लो पूरा यहाँ पे, ठीक है, यू कंप्लीट इट। अभी तीसरा फॉर्मूला हमारा चल रहा है नेपियर्स एनालॉगी, कुछ लोग इसको एनालॉगी बोलते हैं एनालॉजी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। नेपियर्स एनालॉजी ये साइंटिस्ट का नाम है नेपियर, उसने वो खोज निकाला है नेपियर्स एनालॉगी। एनालॉजी क्या है, देखो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, टैन ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू, टैन ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू इसका आंसर क्या आता है, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ ए बाई टू, ठीक है। ये जो बी माइनस सी है वो वहां स्मॉल लेटर में आया, बी माइनस सी लेंथ ऑफ
साइड्स b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ ए बाई टू, तीसरा जो एंगल है ए इसका आधा, तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ ए बाई टू, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये पहला एनालॉजी हम प्रूव करेंगे और बाकी के दोनों सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बाकी के दोनों का प्रूफ बुक में भी नहीं दिया हुआ है तो उसको सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं। वैसे इसके स्टेप देखने के बाद उसको भी कैसे सॉल्व करने के वो आपको समझ में आ जाएगा प्रूफ। अभी देखो, हमें यहाँ पे b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी जो है, b माइनस सी बी प्लस सी ये दिया हुआ है, मतलब स्मॉल b और स्मॉल c के वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और यहाँ टैन और कॉट है तो पहले हम साइन में साइन में इसको साइन कॉस में लिखेंगे, फिर उसको टैन कॉट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम, क्योंकि ये नेपियर एनालॉजी क्या है, अप्लीकेशन ऑफ थ्री फॉर्मूले, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, उनका यूज करके हमें इसको प्रूव करना है ना, तो इसीलिए वी नो दैट बाय साइन रूल, बाय साइन रूल का यूज करके, साइन रूल क्या था हमारा, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू टू आर, याद है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू टू आर इंटू साइन ए, स्मॉल b इज इक्वल टू टू आर इंटू साइन बी, और स्मॉल c इज इक्वल टू टू आर इंटू साइन सी। याद आ रहा होगा, ये साइन a, साइन b, साइन c टू आर के साथ हमने शिफ्ट कर दिए तो a, b, c के वैल्यूज हमें मिल गए। ओके, ये वैसे भी हमने एक फॉर्मेट लिखा ही था साइन रूल में, अलग अलग पांच फॉर्मेट लिखे थे तो उसमें ये एक फॉर्मेट है। अभी हमें एबीसी के वैल्यूज तो पता चल गए, यहाँ पे अभी राइट हैंड साइड जो है वो देखो क्या है। तो राइट हैंड साइड में ये जो पर्टिकुलर पार्ट है बी माइनस सी और बी प्लस सी वाला, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ओके, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखो बी का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, टू आर साइन बी माइनस सी, स्मॉल सी का वैल्यू है टू आर साइन सी ये वाला, तो माइनस सी का जगह टू आर साइन सी डाल दो, और डिनोमिनेटर में भी बी प्लस सी है तो वो आ जाएगा टू आर साइन बी प्लस टू आर साइन सी। अभी टू आर दोनों टर्म में से कॉमन निकाला तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी टू आर है ऊपर भी टू आर है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ खाली अभी बचेगा साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। अभी आपको फैक्टराइजेशन फॉर्मूले पता ही है, साइन ऑफ सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन टू वो वाला, तो ऐसे वो जो फॉर्मूले है उसका यूज करके अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ इलेवेंथ के फॉर्मूले याद करो याद करो याद करो। साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू टू इंटू कॉस ऑफ बी प्लस सी अपॉन टू इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू, यही है क्या, कंफर्म करो, है ना। तो इसको याद रखने का कैसा तरीका है, जब साइन बी माइनस साइन सी आता है तो कॉस के अंदर बी प्लस सी बाई टू आता है और साइन के अंदर सब्ट्रैक्शन आता है बी माइनस सी अपॉन टू, और नीचे था साइन बी प्लस साइन सी तो वहां पे साइन के अंदर एडिशन वाला आता है बी प्लस सी अपॉन टू और कॉस के अंदर सब्ट्रैक्शन वाला आता है बी माइनस सी अपॉन टू, यहाँ टू टू कैंसिल होगा। अभी ये देखो कॉस ऑफ बी प्लस सी अपॉन टू अपॉन साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन टू, तो कॉस अपॉन साइन वो हो जाएगा कॉट, कॉट ऑफ बी प्लस सी अपॉन टू इंटू
साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू, ये साइन अपॉन कॉस वही हो जाएगा टैन, टैन ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू, ठीक है। अभी ये किसका वैल्यू मिला हमें, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी का, ऑल राइट। अभी यहाँ पे ये जो कॉट ऑफ बी प्लस सी अपॉन टू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये इसके लिए इस कॉट को कन्वर्ट करना है हमें, तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि 11th स्टैंडर्ड में हमने जो ट्रायंगल वाले फॉर्मूले देखे थे, फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले के बाद जो ट्रायंगल वाले फॉर्मूले देखे थे, आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, समझो ट्रायंगल एबीसी है, तो इस ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का एडिशन जो है वो 180 डिग्री रहेगा, 180 मतलब पाई रहेगा, इन सबको मैंने 2 से डिवाइड किया दोनों साइड, तो यहाँ मिलेगा a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू, और यहाँ b बाई टू प्लस सी बाई टू इसको मैंने लेफ्ट में ही रखा और a बाई टू को राइट में शिफ्ट किया, तो आ जाएगा 90 माइनस a बाई टू, समझा ना। तो अभी यहाँ पे b प्लस सी अपॉन टू है, मतलब इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, b प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई टू, तो ये जो cot ऑफ b प्लस सी अपॉन टू है उसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस a बाई टू, कैसे आया, ऐसे आया, ये अभी अभी मैंने जो बताया, इंटू टेन ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थीटा रहता है टेन थीटा, तो यहाँ आंसर आएगा टेन ए बाई टू इंटू टेन ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू, और ये किसका आंसर आया, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी का। अभी देखो हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, फॉर्मूला में चाहिए कि टेन ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू, तो इसका मतलब बी माइनस सी बी प्लस सी के साथ कॉट ए बाई टू चाहिए, तो कॉट ए बाई टू लाने के लिए ये जो टैन है ना इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड होगा और वन अपॉन टेन का कॉट हो जाएगा बस, तो वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसको लिखते वक्त मैं पहले ऐसे लिखूंगा, देखो उल्टा लिखते हैं, पहले ऐसा करेंगे टेन ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू इंटू टेन ऑफ ए बाई टू, राइट हैंड साइड मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लिख शिफ्ट कर दिया, मैंने उल्टा लिखा बस, ठीक है। अभी ये टेन ए बाई टू जो है उसको राइट में शिफ्ट कर दो, तो आपको अगले स्टेप में मिलेगा देयर फोर टेन ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, ये तो है ही, इंटू वन अपॉन टेन ऑफ ए बाई टू, क्योंकि वो जो टेन ए बाई टू है वो राइट में मल्टीप्लाई था, तो सॉरी लेफ्ट में मल्टीप्लाई का था, उसको राइट में शिफ्ट किया तो डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर आएगा बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू वन अपॉन टेन का आंसर आता है कॉट ऑफ ए बाई टू, सो टेन ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू, यही हमें प्रूव करना था, ओके हेंस प्रूव्ड, तो ये प्रूव किया। तो इसी तरह हमने ये जो प्रूफ लिखा, ये देखो ये स्टेप्स भी इन्होंने यही दिए, इसी तरह हम बाकी के दो फॉर्मूले भी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट टेन ऑफ सी माइनस ए अपॉन टू इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई टू, यहाँ जो सी माइनस है यहाँ पे सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए आया, यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आया, याद रखने का तरीका, यहाँ ए बी ए बी है तो यहाँ सी बाई टू आया, यहाँ ए सी ए सी है तो यहाँ बी बाई टू आया, यहाँ बी सी बी सी है तो यहाँ ए बाई टू आया, ये तीनों फॉर्मूले आपको नेपियर एनालॉजी करके याद रखने है। और स्टेप्स देखो प्रूफ के, नेपियर एनालॉजी बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ, ठीक है। तो अभी ये दूसरा और तीसरा फॉर्मूला भी आप नीचे लिख लो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये तीनों नेपियर एनालॉजी है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, तो ये पहला नेपियर एनालॉजी था, दूसरा नेपियर एनालॉजी आएगा टेन ऑफ सी माइनस ए अपॉन टू, तो इसका आंसर आएगा सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इन सॉरी सी प्लस ए
इंटू कॉट ऑफ बी बाई टू। तीसरा नेपियर एनालॉजी आएगा टेन ऑफ ए माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू स्मॉल ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट ऑफ सी बाई टू। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो नेपियर एनालॉजी है वो आप याद भी रख सकते हैं और इनका प्रूफ का स्टेप्स याद रखो कैसे हमने सॉल्व किया था। हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो b माइनस सी बी प्लस सी है वहां पे साइन रूल का यूज किया था, b के जगह 2r साइन b डाला और c के जगह 2r साइन c। अगर आपको ये प्रूफ पूछा गया इसका तो यहाँ पे भी आप c के जगह 2r साइन c और a के जगह 2r साइन a डाल दो c माइनस ए सी प्लस ए में, तो जैसे हमने b माइनस सी वाले स्टेप देखे। और यहाँ पे भी ए माइनस बी अपन ए प्लस बी की जगह ए के जगह 2r साइन a और b के जगह 2r साइन b डाल के वही स्टेप्स वैसे ही रहेंगे। तो प्रूफ में तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, आप तीनों के प्रूफ प्रिपेयर करके रखो। हिंट पहला स्टेप क्या रहे, हिंट का साइन रूल यूज करना है और जो सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी बी माइनस सी बी प्लस सी इसके जगह साइन रूल का जो वैल्यू मिला हमें 2r साइन ए 2r साइन बी 2r साइन सी उसमें से वैल्यू यहाँ डालने। क्लियर, सो विद दिस वी कंप्लीट द थ्योरी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो उसमें हमने टोटल तीन रूल देखे, साइन रूल कोसाइन रूल प्रोजेक्शन रूल, और उन तीनों रूल के तीन अप्लीकेशन देखे। पहला हाफ एंगल फॉर्मूले, दूसरा आज हमने देखा हीरोज फॉर्मूला हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो फॉर्मूला है, और तीसरा आज हमने देखा नेपियर एनालॉजी। ये छह के छह पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, इन सबके फॉर्मूले याद रखो, इन सबके प्रूफ याद रखो, और उसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो अगले एक्सरसाइज में आएंगे, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज ये पूरा रिवाइज कर लो, थ्योरी साइन रूल कोसाइन रूल प्रोजेक्शन रूल हाफ एंगल फॉर्मूले उसके बाद हेरॉन्स फॉर्मूला और तीसरा अभी जो देखा नेपियर एनालॉजी। ये छे के छे पॉइंट और इसके सारे फॉर्मूले बिल्कुल पक्के याद करने हैं आज, चाहे तो सेपरेट शीट पे लिखो, शीट पे लिखने के बाद दीवार पे चिपका दो और उनको याद करने का कोशिश करो। ये बार बार याद करेंगे तो याद रहेंगे, और क्योंकि कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा ये भी, तो अभी ये वाले 12th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले भी याद करने हैं। थैंक यू वेरी मच।